भोले भाले हैं नंद बाबू, भोले न होते तो कृष्ण क्यों आते उनके घर में, अच्छे न होते, भोले न होते, प्यारे न होते तो क्या डाकू के घर में कृष्ण आएंगे। यशोदा नंदो, जो स्वयं भी नंदित रहते हैं, लोगों को भी नंदित करते हैं, आनंद देते हैं, उनका नाम है नंदो। इसलिए वहां पर यशोदा और नंद के यहां भगवान का आगमन हुआ है। जिसके हृदय की ऐसी दो वृत्तियां हो जाएं, स्वयं कर्म करें पर यश किसी और को दे दें, यशोदा, यश देने के लिए जो लालायित रहता है उसके यहां कृष्ण उसके आंगन में खेलते हैं, उसके गोद में खेलते हैं भगवान। पर दूसरों के किए गए कर्मों का यश लेने के लिए जो मरता है, कंसई वैसे की गोद में आते हैं, कंसई लोग वहां पर पहुंचते हैं, कृष्ण नहीं। ध्यान दो, कृष्ण कृष्ण चिल्लाते रहते हो लेकिन जब तक यशोदा की भावना नहीं बनेगी भीतर में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने भी किए गए कर्मों का यश अपने भाइयों को, बंधुओं को, बहनों को, माता को, पिता को, पड़ोसियों को, देशवासियों को दे देना। अरे रे मैया, ये तेरे बिना थोड़े ही होता, अरे पिताजी ये आपके कृपा से हुआ है, अरे मेरी बहन ये तूने किया है, अरे मेरी माँ ये तेरे कारण हुआ है, अरे मेरे मित्र तुमने किया है, आप जैसा पड़ोसी है तो मैंने ये करने में समर्थता पाई है। यश को दान करने की वृत्ति जिसके भीतर में है उसका नाम है यशोदाती यदि यशोदा, जो यश का दान करती है वही यशोदा है मेरी माँ। यहाँ तो जेठानी और देवरानी में लड़ाई ही इस बात का है, सास और बहू में लड़ाई ही इस बात का है, बहू चाय बनाएगी और सास इखलाते हुए लेके पहुंच जाएगी, पिए हैं लीजिए हमने बनाया, तुम बनाई हो लेके आ गई सामने। और अब आजकल तो बहू भी कम नहीं है, सास से बनवाएंगे भीतर में, उधर से भाई साहब पीजिए कैसा लगा, बहुत मीठा है, बस आपके लिए बनाई हूं, बताओ इसके यहां कृष्ण आएंगे। खाली कंस रावण का जमवाड़ा लगेगा ऐसे लोगों के बीच, जिनको बात बात में यश चाहिए, जिनको बात बात में मान चाहिए, जिनको बात बात में सम्मान चाहिए, ऐसे लोगों के आंगन में कभी कृष्ण रूपी आनंद नहीं आता। बरसों बरस इंतजार करते रह जाओगे पर घरों में सुखाड़ अकाल पड़ी रहेगी, कृष्ण नहीं आएंगे, आनंद नहीं आएगा, परमानंद नहीं आएगा। इसलिए एक वृत्ति सीख करके जाओ मेरी मां, बैठे हुए सारे लोग एक ही चीज सीख के जाओ आज, कि मुझे अब अपने जीवन को यशोदा की भांति जीना है और मेरे घर में आने वाला लल्ला के भीतर ही कृष्ण समा जाएंगे और वो कृष्ण की तरह हमारा और सबका मंगल करेगा। ये भाव तुम्हारे भीतर में प्रकटित होना जरूरी है। ऐसे ही बाबा आनंद बड़े सहज